तो कारण मैं लगातार क्षेत्र में हर गरीब लोगों से जनसंपर्क किया, उनकी समस्या को देखा, साथ ही साथ जो इस वर्तमान में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने जनता से झूठे झूठे वादे किए, जुमलेबाजी की, इसलिए इनको जनता ने नकारा है और उसी का ये आज जो फैसला हो रहा है, मतदाताओं ने जो फैसला निर्णय लिया है कांग्रेस के प्रति, मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को बहुत चाहते हैं कि किसने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब मुख्यमंत्री तो हाई पावर लेवल का काम हम लोगों का तो नहीं, पर जो भी निर्णय होंगे वो बड़े स्तर पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी है, जो भी निर्णय लें, हमारे माननीय कमल जी, सिंधिया जी, ये सब मिल बैठ के जो निर्णय लेंगे। आप क्या चाहते हैं कि किसने बनना चाहिए? नहीं, मैं हम तो पार्टी से बन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो मान्य करेंगे उसको हम मानेंगे। अब क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी क्षेत्र में? मेरी प्राथमिक जो मेरे जो कुछ काम अधूरे पड़े, किसानों मजदूरों की हर समस्या, और साथ ही इन्होंने जो वचन पत्र जो कांग्रेस ने निकाला उसके आधार पर हम काम करेंगे।